हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम घर बैठे कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा आधार अपडेट है या नहीं, और हम ये भी जान लेंगे हमारे आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा आधार है जिसमें बैक साइड पे केयर आप नहीं लिखा है, वो आधार आपको ज़रूरी अपडेट करना है। सो दोस्तों, अब हम चेक करेंगे कि हमारा आधार अपडेट है या नहीं, और हम ये भी चेक करेंगे कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। सो दोस्तों, इसके लिए हम क्रोम ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे टाइप करेंगे माई आधार, इस पर क्लिक करेंगे, और दोस्तों इसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे लिखा है माई आधार, इस पर क्लिक करेंगे के बाद यहाँ पे लिखा होगा आधार सर्विस, और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई एन आधार, इस पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है चेक आधार वैलिडिटी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना आधार नंबर देंगे हम, इसके बाद यहाँ पे कैप्चा देंगे, कैप्चा देने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे लिखा है एज, जेंडर, स्टेट, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे मेंशन किया है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। ये आधार ऑलरेडी अपडेट था, अब हम दूसरा आधार नंबर डालेंगे यहाँ पे 8111, और इसके बाद कैप्चा देंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा देंगे, फिर दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे लिखा है नीचे दिस आधार नंबर रिक्वायर्ड मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, प्लीज़ विजिट नियर बाय आधार सेवा केंद्र, आधार एनरोलमेंट अपडेट सेंटर। दोस्तों ये आधार अपडेट नहीं है, ये हमें अपडेट ज़रूरी करना है। सो दोस्तों, इसी तरह आप भी चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड अपडेट है या नहीं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग जान सके कि उनका आधार अपडेट है या नहीं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।